इस वीडियो में मैं आपको पैसों को आकर्षित करने के तीन तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से तीसरा पॉइंट अमीर लोगों की अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सबसे पहला पॉइंट है, अपनी सोच को बदलो। लुईस हे का कहना है, अगर आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पैसों के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आप खुद से कहते हैं, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, जितने पैसे मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, अगर आप दिन भर इस तरह की बातें करते हैं तो आपके पास पैसों की कमी हमेशा रहेगी। लुईस हे के अनुसार इस तरह की सोच को गरीब सोच कहा जाता है। अगर आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अमीर लोगों की सोच रखनी होगी, समृद्ध सोच, सफलता वाली सोच रखनी होगी। पैसों के बारे में अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। लुईस हे कहती है, पैसों के बारे में आपकी जो भी सोच है, सबसे पहले उसे अपने दिमाग से निकाल दो और एक नई सोच का निर्माण करो, क्योंकि गरीब सोच आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। कुछ लोगों की सोच होती है, एक बार लॉटरी लगने की देरी है, उसके बाद पूरी लाइफ में ऐशो आराम से जीऊंगा। ऐसे लोग शॉर्टकट तरीके से बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। कभी कभार ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचना गलत होता है। आंकड़े के अनुसार पाया गया है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग 2 साल के अंदर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। गरीब सोच होने की वजह से ऐसे लोगों के पास पैसा भी नहीं टिकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जितना भी पैसा मिल जाए उनको हमेशा पैसों की कमी महसूस होती है। लाखों रुपए होने के बावजूद भी उनको पैसों की कमी महसूस होती है और इसीलिए उनकी जिंदगी में हमेशा पैसों की कमी होती है। जबकि अमीर सोच वाले लोग मनी मैग्नेट होते हैं, पैसे को आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करके पैसा कमाते हैं, इसीलिए ऐसे लोग अमीर बनते हैं और बहुत सारे पैसों को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज जो आपको सफल होने से, बहुत सारे पैसे कमाने से रोकती है, वो है डिसऑनेस्टी। आप एग्री करो या ना करो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपको कर्मा पर यकीन करना होगा। जो भी आप इस ब्रह्मांड को देते हो वो वापस लौटकर आपको मिलता है। कुछ लोग इतनी छोटी सोच के लोग होते हैं जो अपने ऑफिस से पेपर, पेपर क्लिप, पेन और इस तरह की छोटी छोटी चीजों को चोरी करके घर ले आते हैं। उन लोगों का सोचना होता है कि छोटी सी चीज चोरी करने पर कंपनी को क्या नुकसान होगा। लुईस हे कहती है, चोरी करना भी ब्रह्मांड को बताने का एक तरीका है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप ब्रह्मांड को बता रहे हो कि मेरी जिंदगी में इस चीज की कमी है और आप चोरी करते हो। अगर आप बहुत सारे पैसों को आकर्षित करना चाहते हो तो आपको अपनी इस आदत को छोड़ना होगा। एक रुपया भी कमाओ तो मेहनत से कमाओ, चोरी करके नहीं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पैसों को दान करना। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जरूरतमंद लोगों को पैसों की मदद करनी होगी। अगर आपको खुश रहना है तो आपको जरूरतमंद लोगों को खुशी देनी होगी। अगर आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए तो आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना होगा। कहने का मतलब है कि जो भी आप इस ब्रह्मांड से लेना चाहते हो, पहले आपको देना सीखना होगा। बड़े बड़े मिलियनेयर बिलियनेयर लाखों करोड़ों रुपए दान कर देते हैं और कुछ महीनों के अंदर उतना ही पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाने का सीक्रेट पता है। ऐसे लोगों को पैसा दान करने की आदत होती है। जितना आपका बजट है, जितना आपसे हो सके उतना ही दान करो, लेकिन दान करने की आदत डालो। तब आप देखेंगे कि आपके पास पैसे आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। पैसा हो या किसी भी चीज को आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है, जहां पर आपने बता दिया कि मेरी जिंदगी में इस चीज की कमी है तो उस चीज की कमी आपके पास हमेशा रहती है। और जहां पर आपने बता दिया कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे ना हो, लेकिन आपने ब्रह्मांड को बता दिया कि मैं बहुत सारे पैसे कमाने लग गया हूं, तब ब्रह्मांड आपको उतने पैसे कमाने में मदद करती है। बैठे बैठे कोई पैसों को आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हो तो आपको ऑनेस्ट बनना होगा, मेहनत करनी होगी, ईमानदारी से काम करना होगा और पैसों के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।